जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज श्री विराट सागर जी महाराज की। आज कर्म प्राप्त है ब्रह्मचर्य व्रत का। ब्रह्मचर्य को सभी साधना पद्धतियों में अनिवार्य बताया गया और ये कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के अनुपालन के अभाव में कोई भी साधक अपनी साधना को सार्थक नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य है अब्रह्म के त्याग का नाम। अब्रह्म को कुशील कहा गया है, जो हमारे जीवन के एक बड़ी दुर्बलता है। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि तुम अपने कुशील को पूरी तरह नियंत्रित करके परम शील को धार सको, पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना कर सको, तो ये बहुत उत्तम बात है। बड़े बड़े योगी साधक ब्रह्मचर्य के माध्यम से उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, पर यदि कदाचित तुम वैसा न कर सको तो कम से कम ब्रह्मचर्यानुव्रत का तो पालन करो। ये जैन दर्शन की विशेषता है, जहां गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा गया है। गृहस्थ और ब्रह्मचारी जो काम पुरुषार्थ का आश्रय ले रहा वो भी ब्रह्मचारी। हाँ, इस अवधारणा को ठीक तरीके से समझने भर की आवश्यकता है। वो गृहस्थ है ये बात सत्य है, वैवाहिक जीवन जी रहा ये भी बात सही है, लेकिन विवाह के बंधन में बंध जाने के बाद अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार की प्रत्येक स्त्री में माँ बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि और प्रत्येक पुरुष में पिता पुत्र और भाई जैसा पवित्र दृष्टिकोण प्रकट कर लेना ही ब्रह्मचर्य है। जहां एक के अतिरिक्त बाकी सब के प्रति पवित्र दृष्टि, जब तक हमारी दृष्टि में पवित्रता नहीं होती तब तक संबंधों में पवित्रता नहीं आती। आज लोगों की दृष्टि बहुत ज्यादा विकृत हो रही है और दृष्टि के विकृत होने से संबंधों की पवित्रता खंडित हो रही है, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही है और उससे हमारी पूरी संस्कृति विखंडित हो रही है। हमें यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। गृहस्थ के लिए कहा गया वह स्वदार संतोष व्रत रखे, अर्थात विवाह के बाद, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। विवाहोपरांत पति पत्नी मात्र एक दूसरे के मध्य संतुष्ट रहे, उन दो के बीच किसी तीसरे को त्रिकोण बनने की नौबत ना आने दें। इसी का नाम है यौन सदाचार, जिसकी आज महती आवश्यकता है। मैं देखता हूं जिस तरह की खबरें आज रोज प्रकट होती है, उसे देखकर लगता है कि मनुष्य के अंदर आज किस स्तर की हैवानियत पनप रही है। एक प्रकार की हवस ऐसी बन रही है कि मनुष्य बहसी बन गया है। किस तरह की घटनाएं आती है। कहां हमारे यहां कहा गया मातृवत परदारिषु यह पश्यति स पंडित। संसार की स्त्री को माँ की तरह देखना, संसार की स्त्री को बहन की तरह देखना, संसार की स्त्री को बेटी की तरह देखना,
लेकिन आज मनुष्य की प्रवृत्ति इतनी वहसी हो गई है, उसके अंदर की हवस इतनी तीव्र होते जा रही है कि अब तो माँ बहन और बेटियां भी सुरक्षित नहीं रह पाई। इसका ये दुष्परिणाम है कि अब अबोध बच्चियां, तीन तीन चार चार साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, वो इस तरह के बहसी लोगों के हवस का शिकार बन रही है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। इन सब पर नियंत्रण आ सकता है तभी जब मनुष्य व्रत संकल्प से जुड़कर चले, वो व्रती बने, व्रत संकल्प ले, उसका दृढ़ता से अनुपालन करे, उससे जुड़ करके चले, तो वह इन सब बातों से बहुत आसानी से बच सकता है, अन्यथा परिणाम हम सबके सामने है। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना है, काम जिसे एक प्रकार की दुर्बलता के रूप में देखा जाता है, वही काम हमारी एक बड़ी शक्ति भी है। यदि मनुष्य काम को गलत डायरेक्शन में ले जाता है तो वो उसका पतन कारण बन जाती है, और उसी काम को रचनात्मक दिशा देता है तो वो उसके जीवनोत्थान का आधार बनती है। बटलोई में रोज दाल उबलते आपने देखा, आजकल तो कुकर आ गया, भाप बनती उड़ करके व्यस्त व्यर्थ हो जाती, लेकिन उसी उड़ते हुए भाप को किसी ने देखा, क्या नाम था, जेम्स वाट, दो भाई थे, उनने देखा और उस भाप को स्टोर किया, संग्रहित किया, और क्या किया, इंजन चला दिया। एक भाप जो व्यर्थ होकर के विनष्ट हो रही है और उसी भाप ने इंजन चला दिया। तुम्हारे पास ये एक ऊर्जा है, इसे वेस्ट मत होने दो, इसे सही दिशा में नियोजित करने की कोशिश करो, ये तुम्हारे जीवन के ऊर्ध्वारोहण का आधार बनेगा। हमारे यहां कहा गया है कि काम पर संयम की लगाम होनी चाहिए। जिस दिन काम पुरुषार्थ की मैंने आप सबसे चर्चा की थी, उस दिन चार बातें आप सबसे की थी, काम, लगाम, राम और धाम। काम पर लगाम चाहिए तो जीवन में आराम होगा। ये नियंत्रण तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। अगर तुमने अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बना दिया तो ये तुम्हारे जीवन के ऊर्ध्वारोहण का आधार बनेगी। इसलिए कहा कि इसे संयम के द्वारा धीरे धीरे नियंत्रित करो और काम से राम की ओर बढ़ो, भोग से योग की तरफ बढ़ो, विलास से वैराग्य की ओर उन्मुख हो और भ्रम से ब्रह्म की तरफ अपने कदम रखो, तो तुम अपने इस मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ उठा सकोगे, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। तो ब्रह्मचर्यानुव्रत, गृहस्थ को विवाह की अनुमति दी गई, क्यों, स्वैराचारी बनने के लिए, स्वच्छंद आचरण करने के लिए नहीं। विवाह का बंधन केवल इसी बात के लिए कि जीवन को संयमित और मर्यादित तरीके से जीते हुए क्रमशः अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कहीं बांध बनाया जाता है तो क्या करते हैं, बांध बनाने से पहले पूरा सर्वे होता है,
सर्वे करने के बाद देखा जाता है कि यहाँ कितना पानी रुकेगा, कितनी कैपेसिटी है, उसके कैचमेंट एरिया के हिसाब से बांध को तैयार किया जाता है। लेकिन उस बांध में कुछ गेट भी रखे जाते हैं। गेट किस लिए रखे जाते हैं? जब पानी अधिक हो तो उसे छोड़ा जा सके। पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है और जरूरत पड़ने पर गेट को खोला जाता है, पर कितना? जितना जरूरत है उतना। अगर सारे गेट खुले रखे तो बांध बनाने का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। बांध केवल इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी को सही जगह सही वक्त पर पहुंचाया जा सके। अगर बांध ना बनाए तो सारा पानी बहकर बर्बाद होगा। लेकिन बांध बनाने के बाद भी इस बात के प्रति पूरा ध्यान रखा जाता है कहीं ये बांध टूट ना जाए। और जब बांध के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है पानी का तो धीरे से गेट खोले जाते हैं। जितना प्रेशर उतना गेट। बस आप सबसे मैं यही कहूँगा, विवाह एक प्रकार का सामाजिक बांध है जिसमें सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। केवल एक गेट है पति और पत्नी के संबंधों के बीच का। उसे भी तभी उपयोग में लिया जाता है जितना आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। यथासंभव संयम रखो, पर जब अपने मन का संयम रखने में समर्थ ना हो सको तो ठीक है, विहित मार्ग से चलो और इसी में तुम्हारी सामाजिकता की पवित्रता है। और जो इसका उल्लंघन कर देते हैं उस समाज में सामाजिकता और संस्कार नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आज यही होने जा रहा है, हो रहा है। हम जब अतीत के समय की बात याद करते हैं तो देखते हैं कैसे कैसे आख्यान हमारे यहाँ मिलते हैं जिनमें गृहस्थों ने अपने जीवन में बड़े उच्च आदर्श उपस्थित किए ब्रह्मचर्य के। दो तीन प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा, मनुष्यों की बात बाद में, पहले पक्षियों और पशुओं की बात। अयोध्या प्रसाद गोयली ने अपनी कृति गहरे पानी पैठ में एक ब्रह्मचारिणी गाय और एक पतिव्रता चिड़िया का उल्लेख किया। ब्रह्मचारिणी गाय और पतिव्रता चिड़िया दोनों प्रसंग मैं आज के संदर्भ में आप सबको सुनाना चाहता हूँ, जो इस बात का प्रमाण है कि प्राणी की चेतना जग जाए तो उसके जीवन में शील संयम प्रकट होने में कोई देर नहीं होती। एक परिवार में एक गाय पलती थी, वो 7-8 बार बच्चों को जन्म चुकी थी। उसके बाद उसे पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो गर्भवती हो नहीं रही थी। लेकिन लगातार जब इस तरह का प्रयास किया जाने लगा तो घर की एक बच्ची को सपने में गाय आई। गाय ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, देखो बच्चों को थोड़ा संभालो, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, मुझे पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, अन्यथा मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। घर की बच्ची ने घटनाक्रम लोगों को बताया,
लेकिन लोगों ने उसे बड़े हल्के में लिया कि गाय और ब्रह्मचर्य, आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं, गाय में कहाँ से आएगी। बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन फिर जैसे ही गाय को गर्भवती बनाने का प्रयास किया गया, गाय झटके से भागी और घर के आंगन में स्थित कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसके आखिरी दो बछड़े थे, युगल जुड़वा, वो दोनों बछड़ों में इतना प्रेम था कि एक साथ खाते थे और गोबर और मूत्र भी एक साथ करते थे। ये एक सीलवान गाय का उदाहरण है। दूसरा प्रसंग उन्होंने बताया एक पतिव्रता चिड़िया का। उन्होंने बोला वो एक जेल में थे, मॉन्टगोमरी जेल में। उस जेल का संस्मरण उन्होंने लिखा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गहरे पानी पेट सबको पढ़ने लायक है। उनकी तीन कृतियां हैं, गहरे पानी पेट, कुछ मोती कुछ सीप और जिन खोजा तीन पाइयां। छोटे छोटे से प्रसंग हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं मॉन्टगोमरी जेल में था, एक घोंसले में एक चिड़ा और चिड़ियां रहा करती थी। संयोगतः चिड़ा को किसी ने गुलेल से मार दिया, चिड़िया बच गई। चिड़िया बची, अब उस चिड़िया में अकेले रहने पर एक दूसरा चिड़ा उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चिड़िया उसका प्रतिकार करते रही। बार बार वो चिड़ा आता, उसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता, लेकिन चिड़िया उसका पूरा प्रतिवाद करती। उन्होंने लिखा एक दिन मैंने देखा, देखते देखते दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और उस लड़ाई में दोनों मर गए, लेकिन चिड़िया ने उस पर चिड़े को हाथ नहीं लगाने दिया। यह है पतिव्रता चिड़िया का उदाहरण। आप सोच सकते हैं क्या पशु पक्षियों में भी इस स्तर की चेतना रह सकती है? मुझे तो दिखता है कि आजकल कई ऐसे उदाहरण हैं जो मनुष्यों से अच्छे उनमें हैं। देखिए पशु पक्षियों की संवेदना का एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ। कल मुझे एक क्लिप दिखाया, एक गांव में, अखिलेश रहता है ना उसके गांव में, एक बंदर जिसकी माँ मर गई, इधर उधर हो गई, दो चार दिन का जना बंदर होगा बच्चा उसका, वो अनाथ सा हो गया। एक कुत्ते के पिल्ले ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया, छोटा सा पिल्ला, उसने उस बंदर के बच्चे को अपने पीठ पर बिठा करके सीधे बलेह के थाना में चला गया। थाने में, और थाने में जैसे पहुंचा चुके एकदम थानेदार के पास गया, थानेदार देख करके एकदम भौचक रह गया, ये क्या हो गया। उसके बाद उसने उसको बंदर को अपने हाथ में लिया। थोड़ी देर तक वो जब तक उसे इस चीज को सुनिश्चित नहीं किया कि ये बंदर सही हाथों में नहीं पहुंचा, वो पिल्ला वहीं बैठा रहा। जब उसे खिलाना पिलाना शुरू कर दिया गया तब पिल्ला बाहर आया। ये आदमी से अच्छी जवाबदारी का व्यवहार उस कुत्ते के पिल्ले में। ये कल की घटना है, कल ही मुझे वो क्लिप दिखाया, मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया। तो ये चीज़ें हैं, पशु पक्षियों में भी आ सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज पशु पक्षियों में संवेदनाएं जाग रही है और मनुष्यों की संवेदनाएं दिनों दिन मर रही है। इसका परिणाम है कि मनुष्यों में आज पशुता का विकृत रूप प्रकट हो रहा है। मैं आप सबसे कह रहा था ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का आदर्श मानना चाहिए।
हमारे यहाँ सील सदाचार के जो नियम है उसे ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज की अवधारणा ही बदल गई। जब से लिव इन रिलेशनशिप जैसे कंसेप्ट आए और जब से कोर्ट ने एक्स्ट्रा मेरिटोरियल रिलेशंस के बारे में मान्यता प्रदान कर दी, तब से इस स्वेच्छाचारिता में और अधिक वृद्धि हो गई। अब लोग विवाह को भी पसंद नहीं करते। मुझे जानकारी दी गई कि एक महानगर में 60% 35 साल तक, पहले 25 से 35 साल के युवक युवती अविवाहित है और उन्होंने अविवाहित रहने का ही निर्णय कर रखा है। आखिर इसमें मर्यादाएं कहां रहेगी? हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का क्या होगा? ये बढ़ती हुई उन्मुक्त यौनाचार की दुष्प्रवृत्ति ने हमारे चरित्र को, बल्कि चरित्र पर कुठारा घात कर दिया है। यहां बहुत सावधान होने की जरूरत है और ये बात आज के स्कूली जीवन से शुरू हो जाती है। वो संस्कार अब खत्म हो गए, सील संयम संस्कार को अब कोई तवज्जो नहीं देता। एक दिन मैं ऐसी बात कर रहा था संस्कारों की, तो एक पत्रकार ने कहा, महाराज आप संस्कारों की मार्केट वैल्यू नहीं है। संस्कारों की मार्केट वैल्यू क्या है? मैंने कहा, सुन, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती, माँ की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। संस्कार तो हमारी माँ है, उसकी क्या वैल्यू चाहते? ये जो आज की अवधारणाएं हैं इसे बदलना चाहिए। बचपन से संस्कार बच्चों के अंदर आना चाहिए। जब से सह शिक्षा और को एजुकेशन की प्रवृत्ति बढ़ी, बच्चे बच्चियों का बचपन में ही एक दूसरे से निकटता बढ़ने लगती है और यही निकटता आगे चलकर के सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देता है। और फिर उसके लिए जो जीवन की सीमा है, मर्यादाएं, उनका कोई अर्थ शेष नहीं रह पाता। तब कहीं जाकर, चाहे जब इस तरह की त्रासदीपूर्ण घटनाएं हम सबको सुनने में आती है, यहाँ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इनके प्रति सावधानी रखो। सदार संतोष व्रत प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं विवाहपूर्व और विवाहेतर संबंधों का परित्याग करता हूँ। जब तक मेरा विवाह नहीं होगा, मैं ब्रह्मचर्य को पक्के तौर पर निभाऊंगा और विवाह हो जाने के बाद मैं कोई विवाहेतर संबंध कभी नहीं करूंगा। अपनी हवस को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। आज मनुष्य पशुओं जैसा स्वेच्छाचारी हो गया, बल्कि मैं मानता हूं कि पशु भी पूरी तरह स्वेच्छाचारी नहीं है। वे कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे हैं, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत चलते हैं, प्रकृति के बंधन में बंधे हैं, पर मनुष्य की तो आज कोई प्रकृति नहीं है। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के मध्य जिस तरह का संबंध होना चाहिए वो खत्म हो गया। आज दो के बीच तीसरा आकर जब त्रिकोण बना देता है तो सारे सामंजस्य छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये दिनों दिन हो रहा है। इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पुराणों में अनेक आदर्श, इतिहास में अनेक आदर्श है। मैं दो प्रसंग आपको सुनाऊंगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का उच्च आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। दो प्रसंग सुनाऊं। एक तो छत्रपति शिवाजी के जीवन का है। छत्रपति शिवाजी के काल में उनके सैनिकों ने कल्याण पर आक्रमण किया और वहाँ की महारानी को बंदी बनाकर ले आए। युद्ध जीतने के बाद जब शिवाजी के दरबार में वे पहुँचे,
सब ने कहा कि आज हम आपके लिए इस लोक की सर्वोत्तम निधि लाए। शिवाजी महाराज से कहा जा रहा है कि आज आपके लिए हम लोक की सर्वोत्तम निधि लाए। शिवाजी ने पूछा क्या लाए, तो बताया गया कल्याण की महारानी को बंदी बनाकर हम आपके पास लाए, आपके लिए लाए हैं, इसे हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। सामने कल्याण की महारानी थी। ये सुनते ही शिवाजी अपने आसन से उठ खड़े हुए और सबसे कहा ये अनर्थ क्या कर लिया तुमने। सबसे पहले महारानी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा कि आप मुझे माफ करें, हमारे सैनिकों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आप हमारी इस पूरे के पूरे राज्य की बहन हो, आपका सम्मान करना हमारा धर्म है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये कल्याण की महारानी आज महारानी नहीं हमारी बहन है, और हमारी बहन के साथ तुम लोगों ने जो ये व्यवहार किया वो ठीक नहीं, और न केवल हमारी बहन है अपितु पूरे मराठा वाड़े की बहन है। ये सोच आज कहाँ देखने को मिलता है, आज कहाँ देखने को मिलता है, इन सब चीजों का अभाव हो गया। एक दूसरी घटना मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था परिवार के साथ, रास्ते में बीच जंगल में गाड़ी खराब हो गई। वो था, उसकी धर्मपत्नी थी और दो बच्चे थे। बीच जंगल में गाड़ी खराब हो गई, कोई रास्ता नहीं, रात का समय है, कोई उपाय नहीं। वो इलाका उग्रवादियों का था, जिनको आप नेक्सलाइट कहते हैं। उग्रवादियों ने देखा एक गाड़ी में दो बच्चे और पति पत्नी हैं, गाड़ी इनकी खराब है, तो जो उग्रवादियों के नीचे के लोग थे उन्हें लूटने के ख्याल से आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े उनके प्रमुख ने देखा कि इनके साथ एक महिला है, उन्हें रोका और कहा देखो ये महिला है, ये हमारी बहन है, बहन के समान है, इनको तुम कोई हाथ भी नहीं लगाओगे, और इस घड़ी ये विपत्ति में फंसे हैं, इसलिए हम इनको कोई हाथ नहीं लगाएंगे। उनमें से एक मैकेनिक था, उसने उनकी गाड़ी को सुधार दिया और कहा आप सुरक्षित जाइए। इतना ऊंचा आदर्श उनके जीवन में दिख गया जिन्हें लोक में उग्रवादी के रूप में जाना जाता है। आज पढ़े लिखे सभ्य लोग कहाँ हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है। कहीं मर्यादाएं सुरक्षित नहीं बची। इस प्रकार की मर्यादाओं के हनन से बचिए। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब पावापुरी में था एक परिवार मेरे पास आया और उनकी 13 साल की एक बच्ची थी, उसके लिए प्रायश्चित की याचना की। उस 13 साल की बच्ची ने 2 बार अबॉर्शन करा लिया था। बातचीत में पता चला तो फेसबुक के माध्यम से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वो 13 साल की बच्ची, वो कोलकाता में रहती थी और 22 साल का लड़का पटना में रहता था। दोनों की आपस में फेसबुक के माध्यम से मैत्री हुई और मैत्री के बाद इतनी निकटता आ गई कि उस उम्र में बच्चों को समझ तो रहती नहीं है, ये दुर्दशा हो गई। अपनी मर्यादाएं खो दी, बाद में समझ में आता है। तो चाहे बच्चे हो या बच्चियां, हमें अपने जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए। प्रारंभ से उन्हें इस बात को समझाना चाहिए कि हमारे जीवन की सीमाएं क्या है और उस सीमाओं का पालन हमें किस तरीके से करना है, और वो आदर्श
खुद के जीवन में भी दिखना चाहिए। तो ये स्वदार संतोष व्रत है जो ब्रह्मचर्यानु व्रत के अंतर्गत आता है। इसका अनुपालन करेंगे तो जीवन ऊंचा उठेगा, तब धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए चाहिए आध्यात्मिक चेतना का विकास। व्यक्ति शुरू से अध्यात्म युक्त हो, संयम की मर्यादाओं की महत्ता जानना शुरू कर दे, आत्मा और अनात्मा का बोध कर ले, शरीर की अशुचिता का भान अपने भीतर घटित कर ले, तो उसकी इच्छाएं फिर पनप नहीं सकती, वो अपनी दुरेक्षाओं को शांत करने में समर्थ हो सकता है। वस्तुतः जब तक हमारा चित्त आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ता, तब तक मनुष्य अपनी इस दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सकता। ये एक दुर्बलता बन गई है, इसे दूर करने की जरूरत है, और इसके बल पर ऐसी शक्ति पाए जो हमें अध्यात्म की ओर मोड़ दे, अध्यात्म की ओर मोड़ दे। तुलसीदास जी का प्रसंग सबको याद है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त, वो मायके गई है और अपनी पत्नी का बिछो उनसे सहा नहीं जा रहा है, सब भूल करके सीधे पत्नी से मिलने के ख्याल से चले गए, गए पत्नी से मिलने थे और किसी से नहीं। लेकिन मूसलाधार बारिश, यमुना अपने पूर पर, अब कैसे जाए। तभी अचानक बिजली चमकी, कुछ बहता हुआ सा तख्ता दिखाई पड़ा, उनने उसका सहारा लिया, उसके सहारे तैर कर यमुना के पाट को पार किया, किनारे आए, बिजली चमकी, देखा जिसे पाट समझा वो तो एक मुर्दा था। अब इस पार आ गए, चले पत्नी के पास, सीधे चले, रात आधी रात में अचानक पत्नी से कैसे मिले, अंदर कैसे जाओ। देख रहे हैं घर के एक कक्ष में दीप जल रहा है, समझ में आ गया ये मेरी धर्म पत्नी का ही कक्ष है, दीपक जल रहा है, चलो सीधे वहीं जाया जाए। खिड़की भी खुली है, कैसे पहुँचे। एक बार बिजली चमकी और एक रस्सी जैसी वस्तु झूलती हुई दिखाई पड़ी, उसी रस्सी नुमा वस्तु को पकड़ करके वे ऊपर चढ़ गए, और चढ़ करके सीधे जैसे जंगले से अंदर उतरे, देखा पत्नी प्रभु आराधन में लगी थी, तुम और यहाँ कैसे, अभी आप और यहाँ कैसे, बस तुझसे मिलने की चाह में, यहाँ कैसे, तुझसे मिलने की चाह में आए कैसे, हालत क्या बना रखी है। कहानी सुनाई कि रास्ते में एक तख्ता मिला, मैंने सोचा तख्ता है, निकला तो मुर्दा था, फिर यहाँ ऊपर कैसे आए, बोले तुम्ही तो रस्सी टांग के रखी, मैंने कौन सा रस्सी लटकाया, देखा दीपक के प्रकाश में तो रस्सी नहीं सांप था। तब रत्नावली ने झकझोरा तुलसीदास को, अस्थि चर्म मैं देह मम तासंग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से तो काय होत भौभीत। इस मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुम्हारे मन में इतना लगाव, अगर इतना लगाव तुम्हें अपने परमात्मा से हुआ होता तो संसार में क्यों अटके होते। इस एक वाक्य ने तुलसीदास का हृदय परिवर्तित कर दिया, और ऐसा प्रभाव पड़ा कि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बन गया और अपने जीवन की दिशा को मोड़ दिया। आज आवश्यकता है ऐसे ही अंतश्चेतना को जगाने की, जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ लाने की, और वैसा मोड़ घटित हो तो सारे सुपरिणाम सबके जीवन में आ सकते हैं, वो प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं आप सबसे कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को यौन सदाचार का संकल्प लेना चाहिए, और इसके अंतर्गत विवाह पूर्व कोई संबंध नहीं और विवाहेतर कोई संबंध नहीं बनाएंगे। ये संबंधों की पवित्रता का संकल्प जो लेंगे,
वे ही अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा कई बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखने के कारण अच्छे अच्छे लोग भी भटक जाते हैं और आज उन्हें हवालातों में सड़ना पड़ रहा है। रोज़ ऐसे प्रसंग आते हैं, जब तक बात दबी रहती है, छिपी रहती है, तब तक सब कुछ तो ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन जिस दिन बातें प्रकाश में आती है और आदमी फंसता है तो अपना सर्वनाश कर डालता है। जीवन में ऐसे सर्वनाश से बचा जाए, अपने जीवन को मर्यादित और संयमित तरीके से जीने का संकल्प सब ले तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बंधुओं, आज आने वाले दिनों में जो विधान होना है, उस विधान के लिए पूरे देश से अनेक लोगों ने अपने मनोभाव प्रकट किए। सभी के मंडल आरक्षित हो गए, बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्र रूप से विधान में बैठने का मनोभाव व्यक्त किया। पर कई बार ऐसा होता है कि विधान आदि के आयोजन में मन बनाते हैं, इन मौके पर कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि फिर वे उससे वंचित रह जाते हैं। तो उसके लिए एक संकल्प आपको कराया जा रहा है। यद्यपि जिस दिन आपने विधान के लिए मन बनाया तो वह एक आपका संकल्प हो गया, लेकिन आज पुनः आपको एक संकल्प, यद्यपि आपका वास्तविक सकलीकरण तो यहाँ आने के बाद ही होगा, जो 3-4 तारीख को यहाँ होगा प्रातःकाल, लेकिन फिर भी एक संकल्प है। जैसे ब्रह्मचारी जी अभी आज आपसे करा रहे, कुछ लोगों को आज, कुछ लोगों को कल भी करा देंगे, जो आज उपस्थित नहीं हो पा रहे वो कल करेंगे। आप जो लोग टीवी पर बैठ करके सुन रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, उसके अनुरूप आप अपना संकल्प ग्रहण करें और संकल्प ग्रहण करके प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। इससे आपकी सुरक्षा होगी और फिर किसी भी प्रकार की सूतक पातक जन कोई अड़चन नहीं होगी। हाँ, जिन लोगों का अभी का समय सूतक पातक में बीत रहा है वो सूतक की स्थिति में संकल्प नहीं लेंगे। जैसे ही सूतक खत्म हो, ब्रह्मचारी जी से संपर्क करके वे अपना संकल्प ले सकते हैं। सभी संकल्पित हों और इस भाव से कि ये विधान हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बने, इस विधान से हम अपने जीवन को रूपांतरित करें, भाव विशुद्धि के साथ इस विधान का लाभ ले सके। इस भाव से मैं विराम ले रहा हूँ, आगे की क्रियाएँ ब्रह्मचारी अभय जी कराएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी महाराज।